अगर आपके घुटने में इंजरी लगी है, बहुत कॉमन सवाल रहता है कि आखिर MRI कब करानी है। MRI कब करानी है वो इम्पोर्टेंट। तो अगर MRI, अब दो सिनेरियो, अगर MRI में इमीडिएटली करा देता हूँ, सो MRI इमीडिएटली करा देता हूँ तो उसके फायदे क्या है कि अगर MCL में इंजरी है तो मुझे मालूम पड़ जाएगा। MCL की इंजरी अगर मुझे मालूम है MRI के अंदर, तो जो इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। उसमें फिर क्या करेंगे, अगर बाकी लिगामेंट अच्छे हैं और MCL में इंजरी है तो हम आपको ब्रेस दे देंगे जिसमें पांव सीधा रहेगा। तो उससे एक महीने तक ब्रेस रहेगा, फिर ब्रेस हटाएंगे तो थोड़ा नी जाम हो जाएगा, घुटना जाम, फिर हम उसको धीरे धीरे बैंड कराएंगे। पर उसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपका MCL बिना सर्जरी के। MRI जल्दी कराने का नुकसान ये, कई बार MRI इनकंक्लूसिव आती है, अंदर बहुत सारा फ्लूइड है, ब्लड है, तो ईडीमा ज्यादा आता है, तो MRI का इतना मालूम नहीं पड़ता। पर अगर MRI में ये आ गया कि आपके लिगामेंट अच्छे हैं और आपका MCL भी अच्छा है, तो हम आपको घुटना जाम नहीं होने देंगे ना। अगर आप 15-20 दिन या एक महीने बाद MRI कराते हो, जब ईडीमा कम हो जाएगा, तो उस समय ऐसा हो के हो सकता है आपकी कोई इंजरी हुई नहीं हो लिगामेंट, और हमने सिर्फ MRI डिले कर दी, तो उससे आपको घुटना जाम हो जाएगा। सो बेटर ही रहता है कि आजकल जितने भी स्पोर्ट्स मेडिसिन के जो एडवांसमेंट है, उसका मतलब ये कि तुरंत डिटेक्ट करो, बोले मुझे 2 बार MRI करानी पड़े, पर आप MRI जल्दी कराइए ताकि हमें मालूम पड़े कि ऐसे कोई लिगामेंट की तो इंजरी नहीं है जिसकी वजह से हमें रेस्ट की जरूरत है। रेस्ट की जरूरत पड़ती है हमें MCL और LCL के अंदर, और अगर ये दोनों बिल्कुल सही है तो हम इमीडिएटली मोबिलाइजेशन चालू करेंगे ताकि आप गेट टू वर्क ज्यादा, तो आपका हम बहुत सारा टाइम बचा लेंगे कि जल्दी MRI करा रहते हैं। और इसका ये नुकसान हो सकता है 15-20 दिन 25 दिन मुझे एक और बार MRI करानी पड़े एक महीने बाद, तो कम से कम आपका एक महीना बच जाएगा, आपका जो ट्रीटमेंट है एग्जैक्ट ट्रीटमेंट आज से चालू हो जाएगा। एक्सरे कर लेते हैं और इमीडिएटली MRI करा लेते हैं, उसमें थोड़ा आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं, पर आजकल MRI की क्वालिटी मशीन्स बड़ी अच्छी है, तो अगर आर्टिफैक्ट आते भी हैं तो भी हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि अगर लेट कराओगे तो हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, फिर आप रेस्ट भी हो मतलब। तो अगर हम 25 दिन बाद MRI कराते हैं, एक महीने कराते हैं, इस रीजन की वजह से कि भैया हमारा कुछ फायदा मिल जाएगा, MRI ढंग से आएगी, उसमें आप है ना अपना मसल्स डीजनरेट कर लोगे क्योंकि रेस्ट पीरियड रह गया, और घुटना जाम कर लो, तो मसल को वापस इंक्रीज करने में बहुत टाइम लगेगा। तो आज से मुझे आपको एक्सरसाइज करानी है या नहीं करानी है वो MRI पे डिपेंड करता है, बेटर कि हम MRI करें और जो भी डिसीजन है वो तुरंत लें ताकि आपका टाइम बचे। बेसिक एक्सरसाइज इसलिए चालू कराते हैं क्योंकि अभी आप रेस्ट पे जा चुके हो, जब से इंजरी हुई हो, ना चल पा रहे हो, ना लोड दे रहे हो, ना एक्सरसाइज करो, ना घुटना बैंड करो, सो आइसोमेट्रिक सिंपल एक्सरसाइज आपकी मसल्स को बचा के रहेगी। सो लेट्स बिगिन एक्सरसाइजेस, आइस पैक्स कीजिए, MRI कराइए, एक्सरे कराइए, और कल परसों में फिर डिसीजन करते हैं कि इसको ठीक कैसे करना है। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।